देखिए, पहली बात तो मैंने बार बार कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा झारखंड वासियों के हितों की चिंता करती रही, ठीक है। और आज जिस विधायक को इन्होंने लाया, हम लोग कभी भी उसके विरोधी नहीं थे। आप सबको ध्यान में होगा कि जब अलग प्रदेश बना था तो उस समय हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, चाहे 27% रिजर्वेशन की बात हो या खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति हो, सब हम लोगों ने बनाया। लेकिन बाद में कोर्ट से मामला अटक गया तो राज्य सरकार इस समय जो बिल लेकर आ रही थी, कोई नई उन्होंने कर नहीं रहे थे, उनको छोटी सी काम करनी थी। जो इतनी लंबी यात्रा में निकल गए, जो पता नहीं यात्रा कब इनकी समाप्त होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया जिसको कहते, नहीं तो सामान्य थी। क्योंकि उस वक्त जो कोर्ट में कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, उन बिंदुओं को सिर्फ समाधान कर देते और ये विधायक यहीं पर पारित हो जाता और फिर कल से लागू हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसी लंबी यात्रा में इसको तीर्थ यात्रा में भेज दिया, अब पता नहीं वो तीर्थ यात्रा से कब लौटेगी, मैं तो इसको नहीं बता सकता। अरे जनता के लिए तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तीर्थ यात्रा से कोई लौटेगा तभी तो कोई प्रसाद मिल सकेगा। भाजपा को नेता विहीन बताया गया, हमने कहा कि उनको फिर घबराहट किस बात की। आपने देखा होगा कि मानसून सत्र से लेकर के अब ये शीतकालीन तक इस सत्र को बनाए रखा है, पता नहीं कब तक ले जाएगा। और जिस आनन फनन में कोई भी बिल आज देख रहे होंगे कि उनको बार बार इधर से उधर से पुर्जी लोग ला करके लोग बता रहे थे, तो इसे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी कोई तैयारी नहीं किए हुए थे। और वो बीजेपी ने तो विधायक दल के नेता चुन करके विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है, वो जानबूझ करके मामला को लटका करके, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है, वो जानते हैं कि अगर वो नेता अपोजिशन के उस पद पर वहाँ बैठ जाएंगे तो हेमंत सोरेन जी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जब हम लोग थोड़ी सी सड़क पर निकलते हैं तो उनकी पसीना छूटने लगता है, और आज उसकी आपने आवाज़ देखा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।